प्रियंका को उनके स्टाइल के लिए जाना जाता है। सभी जानते हैं कि उन्हें अपने लुक के साथ एक्सपेरिमेंट करना काफी पसंद है। हर बार की तरह नए लुक में नजर आती हैं, लेकिन इस बार उनका लुक उन्हीं पर भारी पड़ जाता है। ऐसा ही कुछ एक अवार्ड फंक्शन के दौरान हुआ था। दरअसल एक बार प्रियंका चोपड़ा एक अवार्ड फंक्शन शो में पहुंची थी। इस दौरान वह बेहद ही बोल्ड ड्रेस में नजर आई थी। एक्ट्रेस शो में बॉडीकॉन ड्रेस पहनकर पहुंची थी। इस ड्रेस के साथ उन्होंने मैचिंग हील्स पहनी हुई थी और न्यूड मेकअप किया हुआ था। उनका पूरा लुक देखने लायक था, लेकिन डीप कट के कारण प्रियंका थोड़ी असहज भी लग रही थी। वह हाथ से खुद को बार बार कवर कर रही थी, लेकिन फिर भी कैमरे में उनका उप्स मोमेंट कैद हो गया था। प्रियंका की इस ड्रेस में तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी और लोगों ने उस वक्त काफी उन्हें ट्रोल किया था। शाहिद कपूर जल्द ही फिल्म मेकर अली अब्बास जफर की अपकमिंग फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। कुछ महीने पहले ही अली अब्बास की इस फिल्म के साथ एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर का भी नाम जुड़ा था। अब खबर आ रही है कि भूमि पेडनेकर ने इस फिल्म के ऑफर को ठुकरा दिया है। वह इस फिल्म में फीमेल लीड किरदार में नजर आने वाली थी। इसी के साथ ही मेकर्स ने लीड एक्ट्रेस की कास्टिंग की प्रक्रिया भी फिर शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के माने तो मेकर्स ने कुछ हफ्ते पहले ही भूमि को यह फिल्म ऑफर की थी। एक्ट्रेस को इस फिल्म में उनका किरदार पसंद नहीं आया, इसीलिए उन्होंने फिल्म के लिए मना कर दिया। बता दें कि फिल्म न्यूट ब्लेंच की हिंदी रीमेक होगी। न्यूट ब्लेंच एक फ्रेंच फिल्म है। फिल्म को OTT के दर्शकों को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। यह फिल्म एक पुलिस वाले के इर्द गिर्द घूमती है। शायद इस फिल्म में पुलिस वाले की भूमिका में नजर आएंगे। साउथ फिल्म अदाकारा काजल अग्रवाल की प्रेगनेंसी की खबरें बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। इन खबरों पर अभी तक अदाकारा ने भी आधिकारिक मोहर नहीं लगाई है। इस बीच रिपोर्ट्स है कि अदाकारा के हाथों से एक और प्रोजेक्ट चला गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कमल हासन स्टारर निर्देशक शंकर की फिल्म इंडियन 2 के मेकर्स ने अदाकारा काजल अग्रवाल को रिप्लेस कर दिया है। इस फिल्म में अदाकारा का किरदार एक बुजुर्ग महिला का था, जिसके लिए अदाकारा काफ़ी हैवी और प्रोथेटिक मेकअप के साथ नजर आने वाली थी। फिल्म की काफ़ी हिस्से भी शूटिंग हो चुकी थी, मगर बार बार आती अड़चनों के कारण ये फिल्म अभी तक पूरी नहीं हो सकी। ताज़ा खबर ये है कि अदाकारा की प्रेगनेंसी की वजह से मेकर्स ने उन्हें इस फिल्म से रिप्लेस कर दिया है। एक्टर सनी देओल ने हाल ही में डायरेक्टर आर बाल्की की साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म चुप की शूटिंग पूरी कर ली है। अब खबर आ रही है कि सनी जल्द ही मलयालम हिट थ्रिलर फिल्म जेसोफ के हिंदी रीमेक में भी नजर आ सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेसोफ के हिंदी रीमेक का निर्देशन एम पद्म कुमार करेंगे, जिन्होंने मूल फिल्म का भी निर्देशन किया था, और इसका निर्माण कमल मुकुट करेंगे। फिलहाल फिल्म प्री प्रोडक्शन चरण में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फिल्म में सनी एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाते दिख सकते हैं। सनी ने फिल्म से जुड़ी सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली है। वे जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। फिल्म की कहानी 4 रिटायर्ड पुलिस कर्मियों के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है।